Hello guys, this is Dr. AG and you are watching my YouTube channel Learn with Dr. AG. ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज़ के रिजल्ट में बनाई जा रही है जिनको एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाने में प्रॉब्लम आ रही थी और वो एडमिशन से मुतलिक जब वो लास्ट डेट के मुतलिक जब वो इंक्वायर कर रहे थे और इसके अलावा बाकी भी जो स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह आई हैं तो मैं कोशिश करता हूँ को इसी वीडियो में उन तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकूँ और बच्चों को गाइड कर सकूं कि वो किस तरीके से फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। अलामा इकबाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी ने जो एडमिशन की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड करके अप टू 18th ऑफ दिसंबर 2021 तक उसको जो है वो कर दिया है। अब तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो 18 दिसंबर तक जो है वो एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। उसी तरीके से मोस्टली स्टूडेंट जो मुझे सिलेक्शन क्राइटेरिया उसका मेरिट फार्मूला पूछे तो मेरिट फार्मूला में 50% मार्क्स एफएससी के, 30% मार्क्स एमडी कैट के और एमडी कैट जो वो अटेम्प्ट करना ज़रूरी है और 20% मार्क्स जो है वो मैट्रिक में इंक्लूडेड होंगे। तो इस तरीके से 50%, 30% और 20% मिलकर जो वो आपका टोटल एग्रीगेट 100% बनेगा। उसके बाद ये जो स्टूडेंट जब वो फीस के मुतालिक पूछे तो फीस के लिए चलान फॉर्म इसकी वेबसाइट पे मौजूद है डाउनलोड एरिया में। स्टूडेंट्स जब वो डाउनलोड एरिया में जाएंगे और वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो उनको जो है वो डाउनलोड एरिया में आप क्लिक करेंगे, इससे आपको जब वो जो नेक्स्ट टैब होगा ओपन, यहाँ से आप जब वो चलान फॉर्म फी का जो वो डाउनलोड कर लेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको जो है वो ये डाउनलोड हो जाएगा और इसके थ्रू जो आप इसको जो वो प्रिंट करवा के इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो वो फीस के मुतालिक पूछ रहे थे तो एनुअल फीस पर ईयर जो वो फीस वो 64,000 जो वो उसके ट्यूशन फीस है और 5,000 रुपीज़ जब वो स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ंड है। सो टोटल मिला के ये 69,000 रुपीज़ जो वो एनुअल फ़ीस है। कुछ स्टूडेंट इसमें जब वो स्कॉलरशिप वगैरह का पूछे तो स्कॉलरशिप डायरेक्टली इसमें कोई अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा जब वो डिफरेंट स्केल पे जब वो स्टूडेंट जब वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द स्कॉलरशिप, इस लेवल पर जब वो इसमें कोई किसी किस्म की स्कॉलरशिप नहीं है। अलावा कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी, तो आपकी एडमिशन की जो लास्ट डेट है 18th ऑफ दिसंबर, उसके आलमोस्ट आफ्टर 2 वीक्स जो वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। सो आप लोग वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं उसको या फिर जो है वो इसी चैनल पे जो वो अपडेट कर दी जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट चलान फॉर्म को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे थे, उनको लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आप जब मेन अगर मोबाइल पे ओपन करते हैं तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर ओपन नहीं होता, आप डाउनलोड एरिया में क्लिक करते हैं यहाँ पे नहीं होगा। आपको ये 3 बार जो साइट पे लगी हैं यहाँ पे, इन 3 बार्स पे आपको क्लिक करना होगा और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो मेन्यू ओपन होगा यहाँ पर आपने डाउन जाना है इनटू द डाउनलोड एरिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ये मोबाइल के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो मोबाइल पे इसको डाउनलोड करके बाद में इसको प्रिंट करवा के इसको जो आप फी जो वो किसी भी एचबीएल ब्रांच में ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स इस बात कंप्लेंट कर रहे थे कि उनकी एडमिशन फॉर्म जो सबमिट नहीं हो रहा। सो जब आप अपनी फाइनल उसको सबमिट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द वीडियो एक थैंक यू का मैसेज उसमें जब वो विंडो ओपन होगी और उस पर आपको थैंक यू का मैसेज आएगा और साथ आपको जब वो उसके नीचे एक कोड होगा आपका जो बैच 2021 के नाम से और साथ उसके एक नंबर लिखा होगा, तो उस नंबर को आपने जो वो उस आपने जो याद रखना है क्योंकि वही आपका ट्रेसिंग नंबर होगा, उसी के थ्रू आप अपने जब वो एडमिशन फॉर्म को ट्रेस कर सकते हो कि मैंने ये जब वो अपना एडमिशन फॉर्म जो वो इस तरीके से सबमिट करवाया था। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी किस तरीके से जो जो आपको मिस्टेक्स आप कर रहे थे आप उसको अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हो। अगर फर्दर फिर से अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर जो वो
फॉर्म सबमिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके जब वो देख सकता है कि वो किस तरीके से उसको जो वो फॉर्म दोबारा से जब वो सबमिट करवाना है।